यहाँ गुरु महाराज की जय बोल दो जी। जय हो। द्वादा कोआल काल भी अगर तुम्हारे पीछे लगा है तो उसको रुकना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया। पागल तीन तीन साल के छह छह साल के आए वो रहे यहाँ राज्य होके चले। अच्छा। ये हमने आंखों देखा जी। दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग हैं बैतूल जिले के मलाजपुर में, मध्य प्रदेश का बैतूल जिला, जहाँ मलाजपुर नामक स्थान है। यहाँ एक मेला लगता है, मेला कहलाता है भूतों का मेला। माघ की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर बसंत पंचमी तक चलता है। आज चौथा दिन है मेले का। यहाँ भीड़भाड़ अभी भी अच्छी खासी है और कहते हैं यहाँ सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को यदि लाया जाए और रखन बांध दिया जाए, बाबा के नाम का रक्षा सूत्र बांध दिया जाए, उसका विष आगे नहीं बढ़ता, विष वहीं रुक जाता है और जहर उतरने लगता है। इसी प्रकार भूत प्रेतों से ग्रस्त यदि कोई व्यक्ति है वो यहाँ आते हैं। बांधवा नामक एक स्थान है बाबा का, वहाँ एक नदी है, वहाँ से स्नान करके गीले वस्त्रों में ही यहाँ आते हैं और बाबा की परिक्रमा देते हैं। सामान्य लोग सीधी परिक्रमा करते हैं और जो भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति हैं वो उल्टी परिक्रमा करते हैं और बाबा की कृपा से ठीक हो जाते हैं। यह है बाबा साहब की समाधि। दोस्तों बड़ा सिद्ध स्थान है, बड़ा अद्भुत स्थान है मलाजपुर। 400 साल पहले एक संत ने जीवित समाधि यहाँ ली थी, जो स्थित है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में, बैतूल जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर। बाबा जीवित थे। हाँ। तब होशंगाबाद में 360 नागा ने समाधि को घेर ली। आज वो महान से कहे यहाँ से हट जाओ, ये हमारा माल है। महंत बाबा थे वो वहाँ घबराने, वो आगे की समाधि है राम जी बाबा। अच्छा। तो इनने कौन की फुकार की? इनकी, जब ये थे, जब गाय चराते थे। अच्छा, गाय चराते थे। हाँ, गाय मान लो। हाँ। गाय भैंस जो भी हो। हाँ, हाँ। चराते थे। हाँ। तो उस दिन खाना खाने नहीं आए घर को। अच्छा। तो भाई शाम को आए तो भाई ने कहा, अरे भैया तू आज खाना खान भी नहीं आया? अरे कर ले, मैं अब दो रोटी बना दो, बाद में सब काम करें अपन, दो बच्चा का इंतजाम करने लगा है, माने दो रोटी बना दो तो खा ले, भूखो है। अब वो भाई मैं अब नहीं खाऊं, अभी होशंगाबाद जाऊं, वहां खड़े है मेरे लिए। अच्छा। अब वहां से आऊं जब खाना खाऊं। तो बाबा इतनी देर में तो वहां पहुंच गए। अच्छा। वहाँ पहुँचे होशंगाबाद जी। वहाँ पहुँचे तो उनने नागा लोग तो समाधि घेर के बैठे, महंत को अलग कर दिया, अलग करो, हमारी है ये समाधि। अच्छा। अच्छा भैया कोई बात नहीं। बाबा ने लाई क्या? तिल्ली और जगनी समझते हो? जगनी? हाँ, जगनी होती है काली। हाँ। और तिल्ली होती बारीक, दोनों एक जगह मिला दी। अच्छा। इनको जो चुन के अलग कर दे अलग अलग, वही की चीज वही यहाँ का महाराज की। हाँ। इनने कहा वो एक एक जगनी निकले कि तिल्ली निकले? हाँ। नहीं निकली तो बाबा ने जरा हमने देर में सब अलग अलग। अच्छा। फिर कपूर जलाया हाथ में, तो कुछ देर तो नांगर होने रखे नहीं, छोड़ दिए। अच्छा। तो हाथ जलने लगे, छोड़ दी। अब बाबा ने इतना कपूर लगाया। अच्छा। बाबा उसी में घुस गए, कपूर के अंदर घुस गए। अच्छा। नागा लोगों ने तरवाल और वो चिमटा लेके इधर का उधर किया, कहीं बीच में छुपा होगा, इधर उधर किया, कहाँ रहे। इसके बाद भैया तू बड़ा जानबकार है, एक तो बाबा गए तो बाबा मंदिर की समाधि चौके तरफ हो गए, राम जी बाबा की समाधि, राम जी बाबा की। अच्छा। जिधर बाबा थे उधर ही। ये बड़ा चमत्कारी है, उधर से आया है, काके है वो
यहीं थे, मलाजपुर में ही थे, मलाजपुर से गए थे? गए थे। अच्छा, और सब हो गया तो अब जीत हो गई इनकी। तो सब उनसे नागा लोगों से कहे भैया सब मेरे खाना खा के जानो। महंत जी कह रहे कि बाबा ना वो कहाँ की खटकर लगा दी, खाना खा के जाना, और कौन बना है कौन खिलाए इतने का, नहीं नहीं खाना खा के जाना। गए सबेरे नहाने को, कहा नर्मदा जी जैसा नहाया इनने और मुंह में जल लिया लिया करे तो इनका पेट ये। अच्छा, अफरा चढ़ गया सबको, सब बिल्कुल मस्त हो गए। कोई उधर से भग रहे कोई इधर से भग रहे, नहीं तो पकड़ ले महंत तो अपने खाना खिलाए, उनने तो बना के रखी होगी रसोई ना कछु बना के रखी। हाँ। तो इनकी माया ऐसी है दादा जी। भक्तों की, बाबा के चाहने वालों की मनोकामना बाबा पूरी करते हैं। सर्प दंश से पीड़ित व्यक्ति है तो उसे रक्खन, जिसे हम रक्षा सूत्र कह सकते हैं, बाबा के नाम से बांध दिया जाता है तो सर्प का विष आगे नहीं बढ़ता है और वापस उतरने लगता है। भूत प्रेत से ग्रस्त कोई व्यक्ति यदि यहाँ आता है अपनी समस्या लेकर, बाबा की कृपा से भूत प्रेतों से मुक्ति पाता है। और यहाँ आए कटकोई में रहते थे, वो कटकोई ग्राम वहाँ से आके फिर यहाँ वो बाड़ी में रहे, फिर वहाँ आके यहाँ रहे। अच्छा, यहाँ समाधि ले ली है। इसके जीवित समाधि ली थी बाबा जी ने जिंदी। हाँ, वो भी समाधि बाद मिली, वहाँ पहले तो बनाया गुरु। अच्छा, जैता बाबा गए, जैता बाबा हरदा के पास है, वहाँ गए गुरु जी सूरदास थे। अच्छा, हाँ उनको गुरु बनाया, उनकी सेवा रहे कुछ दिन और आगे। अच्छा, और फिर यहाँ से चल दी। अच्छा अच्छा, कि अब गुरु सेवा करूँगा। तो वहाँ गए भैया जी, तो इनको बताया कब आए भैया, तो कब मैं ढोर बांधे रहा, तो पागल पागल कैसे बोला भैया, अभी शाम हो रही है तू ढोर बांधे रहा है, दो तीन दिन तो लगे हुए। हाँ, कह तू पागल तो है वैसे भाई, लड़का खर पागल समझे हर कोई। फिर दूसरे रोज का मैं कोई काम बता, मैं काम करूं, बोले जाओ उधर जवारी को खेत है दूर है थोड़ा सा उसको देखना। ये गए सारी चिड़िया को खेत में लावे खाओ। अच्छा। राम की चिड़िया, राम का खेत और खाओ चिड़िया भर भर पेट, पेट। सब खेत खिला दियो। जिस विधि कटानु बंधानु हो उसकर तरीका कैसे कटवाई, दावन भी करी, तो एक आदमी को मजदूरी के कहे तो 25 आवर। अच्छा, देगा कहाँ, तो वहाँ 4 करोड़ तो है ही नहीं, 10 किलो है ही नहीं, मतलब अब भगवान के ऐसी कृपा भाई रास निकाले इनको बैठा, घूमती लगाई 9 बजे से बैठे थे शाम हो रही। अच्छा, आस पास जैसे अपन कुआ खोदा ने मिट्टी ढेर लगाओ तालाब, वैसे जुमारी का ढेर लग गया। बहुत बढ़िया।
भूत प्रेत के अच्छे होते हैं, सर्प के काटे वाले अच्छे होते हैं। हाँ, जो जो लड़का बच्चा जिनके आने वो मनोकामना पूरी होती है, सब मनोकामना पूरी होती है। मन से बोलो तो कि बाबा हमारा ऐसा हो जाए, बाबा ऐसा हो जाए, सब अच्छा होता है। कई पागल आए, कई पागल भी अच्छे होते हैं। यहाँ तुलादान भी होता है, मुंडन भी होता है, और जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं उसकी पूर्ति होने के बाद तुलादान करवाने की प्रथा है। यहाँ साल भर में सैकड़ों कुंटल गुड़ इकट्ठा होता है, किंतु चमत्कार की बात है, ना तो चींटी आती, ना मक्खी आती, ना किसी तरह के कोई कीड़े जो गुड़ पर मंडराते हैं वे आते हैं। ये भी बाबा का एक चमत्कार ही है। यहाँ भूत प्रेत की बाधाओं का निवारण भी होता है। पीछे एक महिला चली आ रही हैं, कहते हैं कोई बड़ी प्रेत बाधा से ग्रस्त थीं, बाबा साहब की कृपा से ये सामान्य हो गई हैं, ठीक हो गई हैं। ये उल्टी परिक्रमा कर रही हैं, अभी सामान्य हैं और शायद कुछ दिन के लिए परिक्रमा करने को कहा गया है, बाकी सभी लोग सीधी परिक्रमा कर रहे हैं। बाबा साहब की समाधि के बाजू में ही उनकी बहन कसियाबाई, उन्होंने भी जीवित समाधि ली थी यहीं पर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो गुरु साहब बाबा की।